हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलिमिनेशन का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, यूरिन सैंपल कलेक्शन। यूरिन सैंपल कलेक्शन पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं हम। उसके बाद उसकी टाइमिंग पढ़ते हैं, कब सैंपल लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से मेथड से अपन सैंपल लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि मैथड कौन कौन से आएंगे। तो कैथेटर मैथड होगा सबसे पहला। कैथेटर मैथड में भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स, जैसे क्वांटम कैथेटर हो गया, फॉलीज कैथेटर मेथड हो गया। उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर के बाद में सैंपल की अमाउंट क्या है। सैंपल की अमाउंट के बाद में अपन यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस इसके बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके कलर अपीयरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरिन सैंपल कलेक्शन का पहला मेथड। सबसे पहला रैंडम सैंपलिंग मेथड। रैंडम सैंपलिंग मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा, और इसमें यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं डे में किसी भी टाइम में। तो ये रैंडम होता है, मतलब दिन में कभी भी आप यूरिन का सैंपल ले सकते हैं। ये क्या होता है, नॉट रिलायबल होता है। ये ओनली यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसका जो यूज होता है वो ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए होगा। कल्चर टेस्ट के लिए हम इसका कभी भी यूज नहीं करेंगे। जो भी इसके अंदर क्या होता है, नो नीड टू प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन बिफोर सैंपल कलेक्शन। और ये जो रैंडम सैंपलिंग मेथड है इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी सैंपल कलेक्शन से पहले हमें इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन के बारे में जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो आता है वो आएगा टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन। टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, यूरिन सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं बिटवीन पर्टिकुलर टाइम के अंदर। पर्टिकुलर डे के अंदर टाइम फिक्स होता है, उसके अंदर ही हम यूरिन सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो आता है टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि यूरिन को एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके इंडिकेशन होंगे सबसे पहले प्रोटीन यूरिया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया के इंडिकेशन आते हैं। और दूसरा आएगा यूरिया क्रिएटिनिन। यूरिया क्रिएटिनिन कब आएगा, रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आएगा। फॉर चेक कंप्लीट यूरिन आउटपुट, ये इसके इंडिकेशन होंगे। दूसरा होगा इसका जो प्रोसीजर जो होगा स्पेसिमेन कलेक्शन का, इसके अंदर होगा ये तो मॉर्निंग में 8 AM से लेकर के 8 AM टू 8 AM तक, नेक्स्ट मॉर्निंग के 8 AM तक। एम्प्टी ब्लैडर टू मिडनाइट एट ऑफ पेशेंट। पेशेंट का जो ब्लैडर होगा उसको मिडनाइट के अंदर एम्प्टी कर देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, क्लीन करेंगे यूरेथ्रा और कैथेटराइजेशन करेंगे पेशेंट का। बिफोर स्टार्ट कलेक्शन, कलेक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसमें जो पहला जो होगा उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे। फर्स्ट ड्रॉप जो होगी उसको, पहला कलेक्शन जो होगा यूरिन सैंपल का उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे। कंप्लीट फर्स्ट यूरिन ऑफ पेशेंट, इसका कहने का मतलब यह है कि पेशेंट का जो फर्स्ट कंप्लीट यूरिन होता है उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसको अपन सैंपल के तौर पर कलेक्ट करेंगे उसको। इसके बाद में क्या होता है कि कैथेटर मेथड जो आता है, थर्ड जो आता है वो है कैथेटर मेथड। इसके अंदर एक तो क्वांटम कैथेटर आता है, एक फॉलीज कैथेटर आता है। क्वांटम कैथेटर होगा वो नियोनेट और इन्फेंट के अंदर सैंपल को कलेक्ट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। फॉलीज कैथेटर आएगा वो, उसका क्या होगा, एक तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर फॉलीज कैथेटर लगाते हैं। एक फीमेल होगी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का चल रहा है तो उस दौरान अगर पेशेंट है तो अपन फॉलीज कैथेटर का यूज़ करेंगे। और एक क्या होगा, लैक ऑफ सेंसेशन, अगर पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड कोई भी सेंसेशन नहीं आ रहा है तो भी हम फॉलीज कैथेटर का यूज़ करेंगे। इसका जो प्रोसीजर क्या होगा कि कैथेटर को क्लैंप कर देंगे 30 मिनट के लिए, उसके बाद क्लीन करेंगे कैथेटर और बेटाडीन वॉल से अपन उसकी क्लीनिंग करेंगे पेरिनियल एरिया की। तो इसके बाद सैंपल कलेक्ट फॉर पोर्ट ऑफ कैथेटर और नीडल एस्पायरेशन मेथड। सैंपल को अपन दो तरीके से कलेक्ट करेंगे, एक तो पोर्ट ऑफ कैथेटर से और दूसरा नीडल एस्पायरेशन से।
नेक्स्ट इसका जो प्रोसीजर में आएगा उसके अंदर आएगा मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम के अंदर आएगा मोस्ट कॉमन रिलायबल मेथड होता है जो कि यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए अपन यूज़ करते हैं। जो रैंडम मेथड था उसको अपन कल्चर टेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे और इसको अपन कल्चर टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैंपल को कलेक्ट करेंगे मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग में एट अवेक टाइम, जिस समय पेशेंट उठता है या सुबह सुबह पेशेंट जब उठता है उसी टाइम पर यूरिथ्रा को क्लीन करेंगे सबसे पहले और सैंपल को कलेक्ट करेंगे स्टराइल कंटेनर के अंदर। कलेक्ट करेंगे मिड स्ट्रीम को, वे आर डिस्कार्ड फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन। इसके अंदर यूरिन की फर्स्ट और लास्ट ड्रॉप को डिस्कार्ड करेंगे और जो मिड स्ट्रीम होगी उसको हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इसका अमाउंट ऑफ सैंपल कितनी होगी। सैंपल की जो अमाउंट होगी वो कल्चर के अंदर 10 ml होगी और अदर के अंदर 100 to 120 ml होगी। उसके बाद जो प्रिजर्वेटिव एजेंट है जिसके अंदर अपन यूरिन को कलेक्ट करके रख सकते हैं वो है 1 to 2% बोरिक एसिड, मोस्ट कॉमन है। दूसरा है एसिटिक एसिड, थर्ड आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ है फॉर्मेलिन जो कि लीस्ट प्रायोरिटी पे है, सबसे कम प्रायोरिटी पे इसका यूज़ करते हैं अपन। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं या लैब के अंदर भेज सकते हैं सैंपल कलेक्ट के 6 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, या 6 घंटे तक। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर भी आप स्टोर कर सकते हैं 4 degrees centigrade टेम्परेचर पर 6 घंटे के, मतलब स्टोर एट रूम टेम्परेचर आफ्टर 6 आवर। रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं या फिर जो 6 घंटे के बाद जो यूरिन सैंपल लेने के 6 घंटे बाद में अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको 4 degrees centigrade पर स्टोर करें, वरना आपको 6 घंटे जो नॉर्मली जो आपने लिया है उस टाइम पे अपन रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं यूरिन का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में करेंगे सबसे पहले क्या आएगा, नॉर्मल फाइंडिंग। नॉर्मल फाइंडिंग में यूरिन का जो कलर होगा वो पेल येलो होगा और या फिर अम्बर कलर होगा, जो कि किस कारण से होता है, यूरोबिलिनोजन की वजह से। यूरोबिलिनोजन पिगमेंट की वजह से यूरिन का जो कलर होगा वो पेल येलो होगा। नेक्स्ट जो आएगा इसकी ऑर्डर और स्मेल क्या होगी, ये क्या होगी, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक, और इसकी जो pH होगी वो 6.8 यानी कि स्लाइटली एसिडिक, थोड़ी सी एसिडिक होगी इसकी जो pH है वो। तो ये नॉर्मल यूरिन की जो फाइंडिंग है वो है। इसके बाद में आप जो कलर या अपीयरेंस है उसके बारे में हम देखेंगे कि अगर स्मोकी ब्राउन कलर है तो ये क्या होगा, ब्लड पिगमेंट होगा। अगर स्मोकी ब्राउन कलर आ रहा है यूरिन का, इसका मतलब ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर, या फिर अगर ब्राउन कलर आ रहा है प्रॉपर यूरिन का तो इसके अंदर इसका मतलब है बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। तीसरा जो आएगा वो आएगा कलरलेस यूरिन। अगर यूरिन है वो कलरलेस है तो इसका मतलब डायबिटिक इंसिपिडस का पेशेंट है। नेक्स्ट जो आएगा अगर यूरिन का कलर है वो वाइट कलर है या काइल्यूरिया, उसको बोलते हैं वाइट कलर ऑफ यूरिन काइल्यूरिया, जो कि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। अगर लिम्फेटिक फ्लूइड यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो उस कारण से यूरिन का जो कलर होता है वो वाइट होता है। नेक्स्ट आता है फ्लॉक्युलेंट ऑफ यूरिन, जो कि क्लाउडी अपीयरेंस होगा वो अपर सर्फेस ऑफ यूरिन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस की वजह से यूरिन के अपर सर्फेस पर म्यूकस जमा हो जाती है, एक क्लाउडी सा अपीयरेंस बन जाता है, उसे फ्लॉक्युलेंट ऑफ यूरिन बोलते हैं। उसके बाद जो आता है वो हैवी क्लाउड इन बॉटम सरफेस ऑफ यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पस। अगर यूरिन के अंदर पस जमा हो गई है तो जो हैवी क्लाउड होगा वो यूरिन की बॉटम सरफेस पर जमा हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा पेपर लाइक ग्रेन्स इन यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड बॉडी में जाता है तो यूरिन के साथ ज़्यादा निकल रहा है तो पेपर लाइक ग्रेन्स बनाता है, मतलब काली मिर्च के दाने जैसे अपन बोलते हैं, गाउट के अंदर ऐसा होता है, गाउट डिजीज के अंदर। इसके बाद में हम नेक्स्ट आता है कि फाइन सेंट प्रेजेंस इन बॉटम सरफेस ऑफ यूरिन। अगर स्टोन है किडनी के अंदर या फिर यूरिन, मतलब किडनी के अंदर अगर स्टोन है तो फाइन सेंट प्रेजेंस होगी, मतलब मिट्टी प्रेजेंट होगी। यूरिन सैंपल जब अपन लेंगे तो उसमें नीचे मिट्टी जमा हो जाएगी, ये आती है यूरिन की जो एनालिसिस अपन करते हैं उसके अंदर। उसके बाद यूरिन की जो एबनॉर्मल फाइंडिंग है वो आएगी इसमें, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होगी नॉर्मली 1.010 होती है, और जो एबनॉर्मल फाइंडिंग होगी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करेगी कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन।
यूरिन की कंसंट्रेशन पर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करेगी। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो बड़ी भी होगी, डिहाइड्रेशन वाले के अंदर भी बड़ी भी होगी और ऑलिक्यूरिया के अंदर भी बड़ी भी होगी। डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डायबिटिक जो इंसिपिडस है उसके अंदर डिक्रीज होगा और मेलिटस के अंदर इंक्रीज होता है। इसके अंदर ऑर्डर या स्मेल जो आती है वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूरिन की जाती है वो फ्रूट लाइक स्मेल आएगी या स्वीट स्मेल आएगी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से, और जिसकी इसकी जो पीएच होगी वो अल्कलाइन होगी। नॉर्मल जो यूरिन की पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, डायबिटिक के अंदर अल्कलाइन होगी ड्यू टू सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस होगा उसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये सब होता है यूरिन की जो फाइंडिंग है एनालिसिस है उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्लास में। थैंक यू।